जय माता दी सभी को। तो आज का हमारा ब्लॉग रहेगा वैष्णो माता जी के मंदिर का, और बने रहे हमारे ब्लॉग के साथ। हमारे साथ जा रही है हमारी सारी फैमिली, मम्मी डैडी भैया भाभी, और हमारा डुग्गू हमारे साथ जा रहा है। तो गाइस हमारा सारा ब्लॉग देखें, आपको माता जी के दर्शन भी होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गाइस अभी हम आपको दिखाते हैं हमारे साथ हम क्या ले जाएंगे। ये हो गया हमारे दो फोन, जिसमें हम एक में ब्लॉगिंग करेंगे, अभी एक में हमारा ब्लॉग अपलोड हो रहा है। ये हो गया हमारा मल्टी चार्जर जो आप देख सकते हैं, ये मल्टी चार्जर है हमारे पास। ये हो गया हमारे माइक जो हम ब्लॉगिंग के लिए यूज़ करेंगे, माइक वॉच जो कि टाइम के लिए सही रहेगी, स्पेक्स तो जरूरी है गाड़ी चलाने के लिए, चार्जर और गाड़ी की चाबी, बोतल, टूथपेस्ट और ब्रश, लिप गार्ड, ये हो गया बॉडी लोशन, ये हो गया फेस वॉश, कॉम, ये हो गया सिरम, ये हो गया हमारा सन क्रीम, टॉवल, अंडरवेयर एंड बनियान, और ये हो गया हमारा साइड पॉकेट बैग, ये हो गया हमारा ब्लॉगिंग क्या बोलते हैं इसको, स्टैंड का काम भी करेगा ये, और सॉक्स का पेयर हो गया। ये हो गया हमारे उधर दर्शन के लिए नए कपड़े हमने लिए थे, लोअर हैंड टी शर्ट, और साथ में हमने एक जैकेट डाल रखी है जो कि अगर ठंड हुई तो ठंड में काम आएगी। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास ये स्टॉल है, ये इसकी गोलू के सूट और जूते की एक जोड़ी, फेस वो एक नाम शैम्पू वगैरह, कंडीशनर वगैरह, वाथिंग शॉप, और ये बैग हमारे पास ये रहेगा, ये होगा 60 लीटर का बैग हमारे पास, जिसमें हम अपना सामान लेके जाएंगे। बाकी अपडेट हम और भी देंगे आपको कि क्या क्या लेके जाना साथ में, और भी जरूरी चीज़ें जैसे कि खाने पीने की, ग्रोसरी, कुछ टैबलेट्स, वो भी हम आपको बताएंगे। अभी तक के लिए ये हमारे पास मटेरियल है, आप एक बार फिर से देख सकते हैं। सो गाइस सामान हो गया हमारा पैक, ये है हमारा एक बैग, और अभी गोलू तैयार हो रही है, नेल पेंट वगैरह लगा रही है, तो अभी हम सामान वगैरह रखेंगे गाड़ी में। गाड़ी रेडी है, साफ वगैरह कर दी है। ये एक दो तीन चार, एक बैग अभी और आएगा, मम्मी जी का बैग आएगा, जाकू हो रहा है, हम भी चलेंगे साथ में। ये देखिए डुग्गू और डुग्गू के दादाजी दोनों तैयार हो रखे हैं। डुग्गू डुग्गू हेलो कर दो सबको, हेलो, चलो फिर जय माता दी, जय माता दी। तो यहाँ पे जाकू आप भी चलोगे? आप भी चलोगे? चलो फिर मंदिर चलेंगे हम भी, चलो 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 शाबाश, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो गाइस जाकू भी रेडी है जाने के लिए, चलो बैठो गाड़ी में। सो गाइस अभी हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और मम्मी भाभी भी रेडी हैं, देख सकते हैं। सो गाइस अभी देख सकते हैं पूजा हो रही है, पूजा के बाद हम चल पड़ेंगे सीधा नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। और यहाँ पे भाभी जी तैयार हो रहे हैं, गोलू तैयार हो रखी है, ये देख सकते हैं गोलू की लुक, अरे भाभी जी। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अपने मंदिर, ये देख सकते हैं डुग्गू, ये मम्मी जी, ये भाभी जी, और ये गोलू, और ये हमारे ऊपर मंदिर। यहाँ से शुरुआत करेंगे हम अपने ट्रिप की। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कांगड़ा बस स्टैंड, और आप देख सकते हैं, और अभी हम खाना खा रहे हैं यहाँ पे, पिकनिक बना रहे हैं, देख सकते हैं गाइस। और ये भाई भी आ चुका है यहाँ पे, डैडी जी अभी मम्मी खाना परोस रहे हैं और हम खा रहे हैं। सो गाइस अभी खाना हो चुका है, और ये थोड़ा सा लेट खाते हैं, डुग्गू भी खाना का, डुग्गू अभी नहीं देख रहा डुग्गू। और ये है कांगड़ा का बस स्टैंड, अभी हमने बस बुक कर ली है, हमारी बस है यहाँ से जम्मू कटरा के लिए, कांगड़ा टू कटरा,
जो कि माँ वैष्णो देवी सुबह 6 बजे पहुँचा देती है। इधर से चलती 12:30 बजे HRTC की वोल्वो हिमसुता। और आप ये देख सकते हैं सामने, यहाँ से हमने टिकट बुकिंग की थी, मतलब हमने तो ऑनलाइन ही की है, लेकिन ये है। सो गाइस देख सकते हैं अभी आप बस में बैठ चुके हैं, काफ़ी लेट आई है बस आज। तो गाइस अभी देख सकते हैं हमारे भाई की चेकिंग हो चुकी है। क्या चेकिंग हुई आपकी? और हमारी बस भी आ चुकी है। अच्छा, हम कैमरे में आ चुके हैं, अब हम बस में जाएंगे। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जम्मू बस स्टैंड, और आप ऊपर देख सकते हैं इन पहाड़ों में है माता वैष्णो देवी का मंदिर। और हमारी पूरी फैमिली, अभी सफ़र हमारा शुरू हो गया है। धीरे धीरे चढ़ते जाओ, जय माता दी करते जाओ। जय माता दी। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे कटरा में, रजिस्ट्रेशन करवाएंगे अभी। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रही है, पंजीकरण, और हमें कार्ड मिल चुका है दर्शन के लिए। ये देख सकते हैं गाइस, ये मम्मी जी का, और गोलू ले रही है अभी। सो गाइस अभी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, और अभी हम निकल चुके हैं माता जी के दर्शन के लिए। अभी देख सकते हैं आप ये, और डुग्गू भी। सो गाइस आप देख सकते हैं ये है जो वैष्णो माता का ट्रैक, आप ये सामने देख सकते हैं ऊपर, हमने पूरा ट्रैक कवर करना है, और ये रास्ता जाता है, ये है। चलो आपको अपडेट देते रहेंगे हम टाइम टू टाइम, बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। अभी हम ले रहे हैं प्रसाद। जय माता दी। सो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हैं सामने माता का दरबार है, और विद फैमिली पूरी फैमिली। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो अभी हम एंटर करने जा रहे हैं दरबार के अंदर। डुग्गू आते हैं, डुग्गू बिल्कुल सो गया है, देखो आंखें बंद करके। सकते हैं गाइस यहाँ पे हमारा लगेज और चेकिंग वगैरह होगी, एक्सरे। ये फर्स्ट गेट आ जाता है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं एंटर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे घोड़ों भी, घोड़ों की सवारी भी की जा सकती है ऊपर तक आप। रोपवे का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घोड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पिट्ठू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जितना आप पैदल चलोगे उतना आप सही रहोगे। तो
मेरे आपसे सजेशन यही रहेगी कि आप पैदल ही यात्रा करो। यहाँ गए इधर 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 ये देखो लड़की है दोनों, कहना क्या चाहते हो? अभी हम रेस्ट करेंगे, जूस वगैरह पियेंगे, फिर आगे प्रस्थान करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे बहुत चिल्ड वाटर है वो। गाइस अभी हमने थोड़ी देर रेस्ट किया है और रेस्ट करने के बाद अभी फिर से चल पड़े हम। ये आप देख सकते हैं ये है चरण पादुका, दर्शन आप कर सकते हैं यहाँ पे, चरण पादुका मंदिर है ये। ये देख सकते हैं गाइस, तो चलो फिर लेट्स गो नेक्स्ट स्टेशन। जय माता दी, जय माता दी। अभी आप देख सकते हैं थक चुके हैं, काफी ऊपर आ चुके हैं, ये आप नजारा देख सकते हैं। और गोलू गोलू भी थक चुकी है, भाभी और डुगू हमारा, डुगू आ रहा है, ये देख सकते हैं हमारे डैडी और पीछे आ रहे मम्मी, वो आ रहे मम्मी, ये डॉन चंदू डॉन और ये मम्मी। जय माता दी, चले चले दो बार को बैठा, तीन बार चलो चलो। जय माता दी। गाइस आप देख सकते हैं वहां से आए हम, वो है रेलवे स्टेशन और ये रास्ता नीचे से आता है, ये देखिए यहाँ से हम आए हैं। ये देखिए गाइस, ये जम्मू शहर कटरा, और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं डुगू के साथ, यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। जय माता दी, थक चुके हैं सभी, कमरा हो गया डाउन। देखिए डाउन गाइस, ये है बेटू अर्धकुंवारी और ये बाईपास ओनी ट्रैक, और अभी हम जाएंगे अर्धकुंवारी के लिए। और आप देख सकते हैं गाइस क्या मस्त नज़ारा यहाँ का, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, आगे देख सकते हैं आप गाइस। अब आपको आगे से दिखाएंगे हम नीचे का नज़ारा, बहुत हाइट पे आ चुके हैं, और देखिए नीचे का नज़ारा। गाइस अभी नीचे दिखाते हैं हम आपको नज़ारा, ये है वाओ सो ब्यूटीफुल। ये देख सकते हैं गाइस बहुत ऊपर आ चुके हैं अभी तक, अभी हमने हाफ क्रॉस कर लिया है, ये हाफ है, इससे भी आगे हमने उतना ही जाना है जितना भी आए हैं। और ये देख सकते हैं नीचे कटरा शहर रेलवे स्टेशन, अगेन यहाँ से आए थे हम, यहाँ से चले थे, और आप देख सकते हैं ट्रैक, ये देख सकते हैं गाइस मौसम बहुत हसीन हो रखा है यहाँ पे, आप देखना चाहेंगे तो। ये पहाड़ियाँ ये वादियाँ हमें पुकार रही हैं माता के दरबार पे जाने के लिए, आप देख सकते हैं गाइस। और ये देख सकते हैं ब्लॉगिंग हो रही है यहाँ पे, कूली नंबर वन कूली नंबर वन। सो गाइस अभी आ गए हैं समोसे, समोसे खाओ गर्मा गर्म समोसे, देख सकते हैं आप। डुगू खाएगा समोसे, ओ बच्चा लिया पकड़ा, गर्मा गर्मा खा लिया।
तो मैं जलेबी लाता हूँ। सो गाइस अभी आ गई है जलेबी और देख सकते हैं अभी समोसे इन्होंने खा लिए हैं। अब आ रही है जलेबी की। जलेबी 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 डैडी नहीं खाएंगे जलेबी। डुग्गू भी भोजन कर रहा है। पता कुछ लगता है जैसे बर्फ पड़ी ना अच्छी लगता है। ये प्रभु है दयानंद। प्रभु सो गाइस अभी हम जा रहे हैं अर्धकुंवारी। ये शीतला भवन अर्धकुंवारी और ये देख सकते हैं आप कितना मिल चुकी है। सो गाइस अभी हमने अर्धकुंवारी के दर्शन कर लिए और अभी जा रहे हैं हम भवन की ओर। आप देख सकते हैं भवन की ओर ये रास्ता जाता है भवन की ओर। तो चलते हैं। जय माता दी। अब हम जाएंगे भवन की ओर। यह भवन की ओर रास्ता। अभी वहीं से आए हम वापस आ गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि गर्भ गुफा 24 घंटे बाद खुलेगी, मतलब 24 घंटे बाद दर्शन होंगे उसके। तो हम कल दर्शन करेंगे और अभी हम जा रहे हैं भवन की ओर। तो सो गाइस अभी हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। ये आप देख सकते हैं भवन। अब इसके ऊपर हमने वहां तक जाना है। आप देखिए वहां तक जाना है भैरव बाबा के ऊपर तक। और ये रास्ता आप देख सकते हैं ट्रैक। इस ट्रैक से हमें जाना है और ये सामने भवन। और हमें भी रास्ते में ही है गोलू भी। तो चले फिर। सो गाइस थोड़ा ही दूर रह गया है। बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कब पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं सामने अभी 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 नहीं मालूम कि यही है कि इसके भी आगे जाना पड़ेगा। और काफ़ी सफ़र कर लिया है। डैडी जी आ चुके हैं, गोलू और भाभी आ रहे हैं। अरे मम्मी जी। सो गाइस अभी आपको दिखाते हैं माता के दर्शन। ये देख सकते हैं गाइस। जय माता दी। वैष्णो माँ के दर्शन। अब 1 किलोमीटर और है ये रास्ता। आप देख सकते हैं ये देख सकते हैं गाइस ये रास्ता 1 किलोमीटर और है फिर हमने ऊपर भी जाना है। और आप देख सकते हैं गाइस। जय माता दी। जय माता दी। नौना दस दर्शन करने थे 5 मिनट पहले। गाइस देख सकते हैं आप दूरियां कम होती हुई माता के भवन के। और आपको दिखा दें हम और नजदीक आ चुके हैं। और अभी हमने ये ट्रैक करना है। गोलू सोचा लें फिर थोड़ा ही रह गया अभी ट्रैक। और डुग्गो हमारा शुरू चुका है वो ही तरीके से। सो गाइस फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। वाह आप देख सकते हैं गाइस बस थोड़ा ही दूर और हम अपनी मंजिल में माँ के चरणों में। आप देख सकते हैं हमारे साथ डैडी जी। आप देख सकते हैं गाइस। सो गाइस ये है पार्वती भवन। यहाँ पे आप रुकने रुक सकते हैं रात को
इसमें आपको ऑनलाइन टिकट वगैरह बुकिंग हो सकती है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो और हम इसका भी आपको वर्णन देंगे पूरा कि कैसे आप इसमें रुक सकते हो रात को, कैसे आपने टिकट बुक करवानी है, कितने बेड आपको मिलेंगे, कितने रुपए में, और सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और आगे आपको ले चलते हैं, दर्शन करवाते हैं माँ के। चलो गाइस, आप देख सकते हैं रोप वे, और ये सामने आप नज़ारा देखिए माँ वैष्णो। गाइस देख सकते हैं, अभी हम जा रहे हैं भवन मार्ग में जो इस तरफ है, फिर जाएंगे हम भैरव बाबा, भैरव नाथ ऊपर। अभी देख सकते हैं नीचे, रेडी जय माता दी, जोर से बोलो, बारे बोलो, जय माता दी। तो गाइस देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, तो गाइस आप देख सकते हैं ये हमारा लॉकर है, आपने सामान लेना होगा तो इस लॉकर से ले लेना, 614 नंबर हमारा लॉकर है, और हमने पूरा सामान यहाँ पर रख दिया। अभी हम एग्जिट कर रहे हैं, फिर देखते हैं नहाने का सामान कहाँ पे मिलता है, क्या इसका सिस्टम है। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं बात करने, पहले स्नान करेंगे फिर उसके बाद पूजा करेंगे। देख सकते हैं गाइस यहाँ पे अभी नहाएंगे हम, तो आपको नहा देख सकते हैं आप ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे हैं। ये देख सकते हैं गाइस फिर इस रहा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये पहाड़ और इसके नीचे सीधा मंदिर का रास्ता और ये दर्शन, और आप देख सकते हैं और ये पहाड़ देखो कितना डेंजर है, डेंजर है भाई, थोड़ा जूम करना ऊपर से पेड़। ये देख सकते हैं गाइस आप, ऐसा लग रहा है जैसे कि कहां हम आ गए पहाड़ों में, और नीचे देखो स्वर्ग, जन्नत, जन्नत इसे कहते हैं जन्नत। और ये आपको सामने का नज़ारा दिखाते हैं, सनसेट हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। सो गाइस आप देख सकते हैं सामने का नज़ारा, बोलो क्या खा रही है। सो गाइस अभी हम खा रहे हैं ब्रेकफास्ट, और आपको दिखाते हैं पीछे ब्रेकफास्ट, देख सकते हैं गाइस सुबह के 5 बज रहे हैं, और अभी हम ब्रेकफास्ट करके भैरव बाबा के दर्शन के लिए निकलेंगे। और अभी हमने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है यहाँ पे, चाय और बड़ा पाव वगैरह खा के चले फिर। तैयार हो सभी हैं? ये डुग्गू जी सोए हैं गाइस, सो गाइस रेडी हैं अभी हम नेक्स्ट दर्शन के लिए, तो चले फिर। जय माता दी। तो गाइस रात को हम दुर्गा भवन में रुके थे, ये है वो दुर्गा भवन, और ये भवन को रास्ता जाता है दर्शन के लिए ऊपर से। और देखो सुबह सुबह पब्लिक, आप नज़ारा देख सकते हैं गाइस, सुबह सुबह का नज़ारा बहुत मनमोहक। गाइस देख सकते हैं आप भैरव बाबा के लिए रोप वे, गाइस
सो गाइस आप देख सकते हैं ये है भैरव बाबा का मंदिर, ऊपर ये रास्ता जाता है अंदर की ओर, और आप यहाँ से व्यू देख सकते हैं आप नीचे का, यह नीचे का व्यू। सबसे टॉप पे अभी हम खड़े हैं और आप नीचे देख सकते हैं। अभी हमने दोबारा इधर से चले जाना है, ये रास्ता जाता है दोबारा हमारे लिए, हम पीछे नहीं हटेंगे अभी। हम वापस जा रहे हैं अर्धकुंवारी की ओर, जिसकी कल हमने टिकट ली थी, अभी आज हम उसके दर्शन करेंगे। देख सकते हैं गाइस, फिर हम कटरा के लिए वापस चले जाएंगे, ये रास्ता जाता है। अभी डुगु कहने जा रहा है और देखो देख सकते हैं गाइस, यहाँ भी मैं बैंडेज मांगने आया हूँ, आधा घंटा हो गया मेरे को बैंडेज मांगते हुए, और इतने निकम्मे हैं कि बैंडेज नहीं दे रहे हैं तब से। डॉन तो गाइस अब चल रहा है लंच, तो गाइस आप देख सकते हैं थक चुके हैं और अपनी मसाज करवा रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है गाइस, देख सकते हैं ये वाला तो बहुत काम कर रहा है, सब फोन ले आ रहे हैं, डग्गो भी करवा रहा है, ये वाला फोन है मेरा, ये वाला फोन है मेरा, ऐसी जगह नहीं हो छोटी सी बैठी तू पैर पैर भी काम तू है सकते हैं आप, मसाज हो रही है यहाँ पे, डैडी मम्मी गोलू भाई और हम ऐसे बैठे हुए हैं, हमारा कोई नहीं कर रहा, वही जो सो गाइस देख सकते हैं अभी हमारे कार्ड जमा हो जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे गोलू कार्ड का है, कार्ड जय माता दी। अभी जा रहे हैं हम वापस और गोलू को लगी धूप, गोलू ने डाल रखा है झुंड, क्या बोलते हैं इसको, घूंघट, सॉरी घूंघट घूंघट, और यहाँ पे एक जोड़ी हमारा वेट कर रही है, ये देखिए हे गाइस बड़ी वो पहाड़ी हमने क्रॉस किया है पूरा, आप देख सकते हैं गाइस, गाइस देख सकते हैं अभी पिकनिक मनाई जा रही है,
और गोलू ने, सारा गोलू ने खाया है। मैं खा रही हूँ मोमो और आपको बताऊंगी खाकर। नहीं, मोमो नहीं खाएगी तो ठीक है, तो ऑर्डर कर दे, खाएगी नहीं। लेकिन फ्राइड हो चाहे सिंपल हो, खाएगी नहीं, नहीं खाएगी। ये जम्मू कटरा शहर, ये देख सकते हैं गाइस कटरा। अब यहाँ पे हमारी बसेस लगी हैं, ये बसेस आप देख सकते हैं, अंदर बसेस है, यहाँ से बसेस लेंगे हम। और हमारी बस है अभी 6 बजे, सो गाइस बस आ चुकी है, ये देख सकते हैं हिमसुता हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन रिक्शा मिला कटरा। तो गाइस अभी हम चल चुके हैं वापस अपने घर। तो बोल शेरा वाले की देख सकते हैं, ये हमारी बुकिंग है। और कैसा रहा फिर आपका मंदिर का टूर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। जय माता दी, ये शर्मा होगी। तो चलते हैं फिर। तो हम पहुंच चुके हैं अभी कांगड़ा, तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर, ये देख सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा व्लॉग? जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ऐसे ही इसी तरह हमारे व्लॉग आते रहेंगे।